नमस्कार दोस्तों, ऑल कंपैरिजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ आज जो गेम प्ले होने वाला है, यहाँ पे आपको बहुत सारी नई ट्रिक एंड ट्रिप्स मिलने वाली हैं, और खास करके उन लोगों के लिए जिनकी टीम अच्छी नहीं होती है, उनको टीम बनानी नहीं आती है, तो उनके लिए आज का गेम प्ले बहुत ही ज्यादा बेस्ट है मेरे भाई। ठीक है, कैसे बेस्ट है वो आपको एंड में खुद ही पता चल जाएगा मेरे भाई, क्योंकि बहुत सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले आप लोग देख चुके हैं कि यहाँ पे हम लोग उतर चुके हैं और छोटी मोटी जो भी लूट है वो ले लिया, और स्टार्टिंग में कोशिश करें सबसे ज्यादा किल करने की कोशिश करें, क्योंकि उसी टाइम आपकी केडी मेंटेन हो जाती है। तो ये देखिए, जब इस तरह का एनिमी मारना हो ना, तो थोड़ा गोली मारो फिर साइड को घूम जाओ। क्यों? क्योंकि भाई इससे प्लस पॉइंट ये होता है कि अगर तुम वहां पे खड़े होकर गोली मारोगे तो बंदा तुम्हारे हेड पे मार देगा, क्योंकि तुम उसके सामने खड़े हो, वो बंदा बैठा हुआ है। ठीक है, तो उसकी गोली जो लगेगी तुम्हारे हेड पे लगेगी, तो मतलब उससे ज्यादा तुम डैमेज हो जाओगे और हो सकता है उससे पहले तुम किल हो जाओ। तो ऐसे में आपको दिमाग लगाना है कि खड़े नहीं होना है, साइड को घूम जाना है। दरवाजे के साइड में घूम जाओगे, उसका एम दो तीन मिस हो जाएगा, और जैसे ही मिस होगा आप उसको इजीली किल कर पाओगे। ठीक है, तो ये देखिए, और जैसे ही मतलब किल हो एनिमी, तुरंत दूसरे पे रस करने से पहले अगर टाइम मिल जाए तो फटाक से पहले हेल्थ पूरी रिकवर कर लो, क्योंकि आगे पता नहीं एक मिले या दो मिले, क्योंकि भाई स्टार्टिंग का गेम है, वहां पे दो या तीन प्लेयर भी एक साथ आपको मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लास्ट का तो है नहीं कि एक एक मिलेगा, यहां पे सब पूरी अभी स्क्वाड पूरी जिंदा होगी, तो कोशिश करें हेल्थ पूरी फुल रखें। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हैं भाई, यहां सामने भी एक बंदा है जिसको हम लोग किल करने वाले हैं, तो यहां पे मेरे पार्टनर ने उसको किल कर दिया। तो सबसे पहले भाई टॉप 10 कमेंट को शॉट आउट दो, एक लकी कमेंट को पिन कर देते हैं, और तब तक आप लोग बैकग्राउंड में चल रहे गेम को एंजॉय करिए फटाफट से, क्योंकि कल की वीडियो में यार बहुत अच्छा आप लोगों ने प्यार और सपोर्ट दिया मेरे भाई। तो आज का जो पहला शॉट आउट जाता है वो जाता है विनोद कुमार को, उसका नेक्स्ट शॉट आउट जाता है एसके साथ, उसका नेक्स्ट शॉट आउट जाता है भरत सिंह, उसका नेक्स्ट शॉट आउट जाता है सी क्रिकेट, उसका नेक्स्ट शॉट आउट जाता है बाबर, उसके बाद नेक्स्ट शॉट आउट जाता है नागेश, उसके बाद नेक्स्ट शॉट आउट जाता है सुमित, उसके बाद नेक्स्ट शॉट आउट जाता है रोनी, उसके बाद नेक्स्ट शॉट आउट जाता है कौशल किंग, उसके बाद नेक्स्ट शॉट एंड लास्ट शॉट आउट जाता है ऑल इन वन को, इन्होंने लिखा है फर्स्ट। ओके भाई, दिल से लव यू होगा भाई, जिन लोगों ने कमेंट किया दिल खोलकर लव यू एंड वेलकम होगा मेरे भाई। तो ऐसे ही प्यार सपोर्ट बना रहा हूं आपका भाई आपके लिए, और भी इंटरेस्टिंग और कूल वीडियो लाता ही रहेगा मेरे भाई। तो चलिए फटाफट से आज के एक लकी कमेंट को पिन कर लेते हैं मेरे भाई। तो दोस्तों आज का जो लकी कमेंट जाता है वो जाता है नितिन राज को, इन्होंने लिखा है सर न्यू अपडेट में ऐड का ऑप्शन भी आएगा या नहीं, मेरे फोन में ऐड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्या न्यू अपडेट में आ सकता है? हाँ भाई बिल्कुल आ सकता है, या फिर रिमूव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ कंफर्म नहीं बता सकते हैं, लेकिन जैसे ही आएगा आप लोगों को सबसे पहले अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, तो परेशान होने की कोई बात ही नहीं मेरे भाई, मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग और कुछ ट्रिक लाने की भी कोशिश कर रहा हूं जिससे ऐड का ऑप्शन आ जाए, तो आप लोग परेशान मत होइए, बहुत जल्दी मैं इसके ऊपर कुछ ना कुछ तोड़ निकालने की कोशिश करूंगा। चलिए फटाफट से आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार एंड कूल होने वाली है मेरे भाई। तो दोस्तों आज मैं अब आपको बता रहा हूं सबसे बेस्ट टीम कौन सी होती है। अगर आपको एक बेस्ट टीम चाहिए ना, तो उसके लिए आपको कुछ काम करने होंगे, चलिए वो मैं आपको बता देता हूं। देखो अगर आपके पास चार फ्रेंड है, ठीक है, और चारों आपके फ्रेंड है, तो उसमें से एक बंदे को आप केवल ओनली ओन स्नाइपर के लिए रखिए। ठीक है, जो बंदा अच्छी स्नाइपर यूज कर लेता हो उसको ओनली स्नाइपर दीजिए। ठीक है, और एक बंदा ऐसा रखिए जो फुल मतलब रस के लिए हो, मतलब केवल रसिंग करना जानता हो। ठीक है, ऐसा बंदा रखिए, और जो स्नाइपर रखता हो उसको एक M4 जरूर दिलाइए, क्योंकि भाई जो बंदा स्नाइपर यूज करता है उसके पास सबसे पहले बंदे रस करने जाते हैं। ठीक है, तो अगर उसके पास M4 नहीं होगी तो उसको नहीं मार पाओगे। ये देखिए बंदे भाई ऐसे भी कैंप करते हैं, कभी सोचा नहीं था बंदा के भाई फुटप्रिंट आ रहे थे, लेकिन भाई इतना शांति से बैठा था कि समझ में नहीं आ रहा था कहां पे बैठा है। ठीक है, तो इस तरह से बिल्कुल जब बंदे को मारो ना, तो बिल्कुल एक जगह खड़े ही मत हो, उसका एम ना लगने पाए तुम्हारे ऊपर। अगर वो 30 गोली मार रहा है ना, तो केवल एक ही गोली आपके उसके ऊपर मतलब वो तुम्हारे ऊपर मारे पाए, समझ लो पहली वाली जो उसने पहले देख लिया, बाकी जो 29 गोलियां है ना वो तुम्हारे ऊपर पड़नी नहीं चाहिए, इतनी जोर से जंप मारो। ठीक है, और कोशिश करो अगर स्नाइपर बंदे को मिल गई है, जिस बंदे जो सबसे बेस्ट चला लेता हो, केवल उसी को स्नाइपर देना, सबको मत देना। ठीक है, और स्नाइपर दे दो उसको एक M4 दे दो। ठीक है, दूसरा बंदा जो रसिंग के लिए है, ठीक है, उसको आप दो बंदूकें दे, एक होती है AKM, जो बंदा रस करता है उसके लिए सबसे बेस्ट गन मेरे हिसाब से जो है वो है भाई AKM। ठीक है, AKM दे दो, क्योंकि रस क्लोज रेंज में की जाती है, क्लोज रेंज में AKM भाई सबकी बाप है, इसका कोई नहीं तोड़ है। ठीक है, AKM बहुत भारी डैमेज देती है, अगर बंदे के सर पे दो गोलियां बैठ जाए ना, तो बंदे के भाई बिल्कुल समझ लो डैमेज इतना तगड़ा जाएगा कि वो बंदा फिर समझ लो केवल
मात्र नाम केवल नाम का ही जीवित बचेगा, बाकी उसमें कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज विशेष याद रखिएगा, ठीक है। और जिस बंदे के पास M4 हो, ठीक है, M4 हो, वो कोशिश करे कि 6x चलाना सीख ले, बस इतना सीख ले, ठीक है। जो बंदा रस कर रहा है उसको एक M4 और एक AKM दे दो, क्योंकि अगर क्लोज रेंज में रस कर रहा है तो AKM उठाए, अगर दूर से रस कर रहा है तो भाई उसके लिए सबसे बेस्ट है M4, क्योंकि रिकॉयल 6x के साथ गजब का कंट्रोल हो जाता है अगर आप कंट्रोल करना जानते हैं तो। अगर मतलब M4 नहीं मिल रही तो स्कारल भी यूज कर सकते हो, बेस्ट है वो भी, कोई बुरी नहीं है, ठीक है। तो उसको भी आसानी से यूज कर सकते हो, लेकिन 6x के साथ, ठीक है। 6x को अगर 3x बना लोगे ना तो भाई खुद ही वो सबकी बाप बन जाती है, तुम्हें पता होगा कितना गजब का रिकॉयल कंट्रोल होता है। जो बंदा कंट्रोल कर लेता है उसके लिए बेस्ट है, ठीक है। बाकी आप अगर नहीं कर पाते हो तो मैं इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जो ओनली ऑन 6x के ऊपर होगा, और गजब का रिकॉयल आपको मैं कंट्रोल करके भी दिखाऊंगा मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हैं मेरे पास जो टीम है उस पर एक बंदा स्नाइपर है और यहां पे एक बंदा मतलब रस कर रहा है, और जो दो बंदे हैं उनमें से एक बंदा, मतलब देखो चार बंदे में से चारों बंदे आपका कहां नहीं मानेंगे, ठीक है। तो उसमें से दो बंदे जो हों उनको एक अगर स्नाइपर लेना चाहता है तो ले सकता है, बाकी कोशिश करो एक बंदा ऐसा हो जो मतलब क्रॉसबो वगैरह चला लेता हो, या फिर क्रॉसबो अगर नहीं चला लेता तो नेडिंग अच्छी हो, नेड करना, बॉटल फेंकना, इस तरह के काम बहुत अच्छे से जानता हो, क्योंकि कभी कभी घर के ऊपर जो बंदे कैंप करते हैं वो ना ही मतलब स्नाइपर से मारे जा सकते हैं ना ही उससे मारे जा सकते हैं, वो केवल नेड से मरते हैं, ठीक है। ग्रेनाइट फेंकना जानता हो अच्छे से, क्योंकि कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनको ग्रेनाइट फेंकना ही नहीं आता है, उनसे बोलो ग्रेनाइट फेंकने के लिए तो कहो तुम्हारे ऊपर ही ग्रेनाइट फेंक दे, तो ऐसी भी सिचुएशन बहुत बार होती है, ठीक है। तो ऐसे अगर बंदे हैं तो उनको कभी भी ग्रेनाइट मत दो, ठीक है। बंदे को ऐसे ही ग्रेनाइट पकड़ाओ जो बंदा ग्रेनाइट चलाना जानता हो अच्छे से, ठीक है, उसको पता हो कितने समय ग्रेनाइट फेंका जाता है, कितने समय उठाया जाता है, कितने समय रिलोड किया जाता है, ये सब छोटी छोटी चीजें होती हैं। लेकिन अगर ये चीजें आप नहीं जानते हो और उस बंदे को तुमने ग्रेनाइट पकड़ा दिया है तो वो सामने वाले एनिमी को तो नहीं किल करेगा लेकिन तुम्हारे पार्टनर को जरूर किल कर देगा, क्योंकि भाई दीवार के अगर उस पर बंदा उसको चलाना नहीं आता है तो वो दीवार में मारेगा नेड, तो हो सकता है जितने दीवार के पीछे आपके पार्टनर हो वो सब के सब नॉक हो जाए, ठीक है। तो ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि जिसको ग्रेनाइट नहीं चलाना आता उसको भी ग्रेनाइट पकड़ा देते हैं, तो ऐसी गलती में सबसे ज्यादा बंदे मारे जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा, कितने लोगों के साथ हुआ कमेंट करके बता देना मेरे भाई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जब ऐसी सिचुएशन है कि पहाड़ी पे हो तो भाई चुपचाप पेड़ के पास कवर में मतलब छिपे रहो, क्योंकि वहां पे जो बंदा स्नाइपर लिए वो खुद ही उनको मार देगा, ठीक है। आपको बस क्या करना है, यहां से साइड से मतलब अगल बगल से थोड़ा बहुत फायर करते रहना, फर्जी फायर करते रहो, ताकि जो सामने वाला बंदा है उसका ध्यान आपके ओर अट्रैक्ट हो और जो स्नाइपर बंदा लिए वो फटाफट सबको निपटा सके, क्योंकि भाई जब दोनों तरफ से गोली चलेगी भले गोली तुम्हारी उसके ऊपर लगे ना लगे, देखिए यहां पे गोली मेरी नहीं लग रही है लेकिन मैं उसका ध्यान अपनी ओर खींच रहा हूं, क्योंकि भाई जब वो मेरी तरफ देखेगा तो उसकी तरफ नहीं देख पाएगा, स्नाइपर वाला बंदा इसी का मौका इसी का फायदा उठा के देखो इसने दोनों बंदों को इस मतलब इसके जो एक बंदा था उसको पहले किल कर दिया, एक को नॉक कर दिया, अब एक बंदा बचा है तो हम लोग सीधा उसके ऊपर रस कर देंगे, अब वो रस से पेला जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक बंदा बचा है, एक बंदा कितना भी टैलेंटेड हो दो पे भारी ही पड़ जाए, मतलब दो को नहीं मार सकता है अगर वो अच्छे प्लेयर हाँ दोनों, ठीक है। तो ये सिचुएशन हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग चार लोग हैं, अब सीधा इसके ऊपर रस करने वाले हैं, क्योंकि ये बंदा गया है बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है, लेकिन अभी ये कंफ्यूजन है कि वहां पे एक ही बंदा है या दो बंदे हैं, तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है कि आगे चले गए और सीधा जाके मतलब ठोक दिए, क्योंकि अगर उसने एक को मार दिया ना तो उसका मनोबल इतना बढ़ जाएगा कि वो तुम चारों को भी ठोक सकता है, ठीक है। तो कोशिश ये करो कि सीधा जब पता चल जाए इस जगह लोकेशन है तो थोड़ा शांति बना के रखो। अब ये देखो यहाँ पे फुटप्रिंट आ रहा है, ये बंदा है, अब हम लोग तीन लोग आ गए, अब एक साथ सब लोग घुस जाएंगे, अब ये देखो बंदा बैठा है चुपचाप, इसको पेल पाल के रामपाल बना दिया, ठीक है। तो ऐसे बिल्कुल मारना है कि बंदे को सोचने तक का टाइम ना मिले, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फटाफट से जोन भी बन रहा है, बंदे अब अगल बगल होंगे, जब छोटा जोन हो जाए तो भाई बड़ा सावधानी से खेलना पड़ता है, क्योंकि भाई यहाँ पे बंदे सब अगल बगल ही लेटे होते हैं मेरे भाई। अब देखना ये मुझे लग रहा है इस पहाड़ी के पीछे एक बंदा बैठा हुआ है, तो चलिए फटाफट से चलते हैं, क्योंकि पहाड़ी के पास से गोली का निशान आ रहा है लेकिन बंदा नहीं दिख रहा है किधर है। तो बहुत ही अच्छी तरह से ये देखो चिपका हुआ है जमीन में, तो मैं इसको यहीं पे जमीन पे ही चिपका देता हूं, ठीक है। ओ नो, एक नहीं दो दो बंदे हैं यार यहां तो चलो थोड़ा सा पीछे, जब भी गोली चलाओ थोड़ा पीछे हट के चलाओ, क्योंकि हो सकता है वहां पे दो बंदे हो। देखो दो बंदे थे, मैंने पीछे हटा तो उसका एम मेरे पे नहीं लगा, उसकी गोलियां पहाड़ पे लगने लगी और मैं दोनों बंदों को आसानी से किल कर दिया, लेकिन मेरी हेल्थ खा गई, क्योंकि यहाँ पे दो नहीं तीन बंदे हैं, एक और बंदा कहीं पे है, तो मैं फटाफट से रिवाइव लेता हूं, उससे पहले ही मेरे पार्टनर ने इसको किल करके
चिकन डिनर ले लिया मेरे भाई, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से गेम प्ले करेंगे मेरे भाई, तो यकीन मानिए कोई भी आपको चिकन डिनर लेने से रोक नहीं सकता है, ये मेरी गारंटी है मेरे भाई। बस आपका टीम अप अच्छा होना चाहिए, टीम लीडर जो है खेलना भले ना जानता हो आपका, ठीक है, टीम जो लीडर है वो खेलना ना जानता हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस आपको टीम बनानी आनी चाहिए। वो टीम लीडर अगर अच्छा है, टीम बनाना जानता है, कैसे टीम में मंजा हैंडल करते हैं ये चीज जानता है, तो आपको 100% हर बार चिकन डिनर मिलेगा। अगर वो खेलना केवल जानता है, टीम बनाना नहीं जानता है, तो उसके लिए बेकार है मेरे भाई। ऐसे टीम लीडर को हटा देना, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, हर बार तुम किल होते ही रहोगे, क्योंकि वो अकेले भाग जाएगा, तुमको लेके नहीं जाएगा, तो तुम वैसे भी किल हो जाओगे, तो कोई फायदा नहीं होगा। उम्मीद है आज का छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, दिल खोल के लाइक और शेयर कर दो, नए चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दो। मिलते